हल्द्वानी के भुजान और रानीबाग काठगोदाम क्षेत्र में चार लोग नदी में डूब गए, जिनमें से तीन का शव बरामद हुआ है जबकि एक की तलाश जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि पुलिस के अवेयरनेस अभियान चलाए जाने के बावजूद लोग मनमाने तरीके से नदियों के किनारे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस समय बरसात का मौसम है, जिसके कारण नदियों में पानी का बहाव भी काफ़ी तेज है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। दो दुखद दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें दो बच्चे जो है आपका गोला बैराज में नहाते हुए बहे हैं और दो आर्मी पर्सन्स भुजान में अल्मोड़ा से बह करके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। इसमें पुलिस द्वारा पहले भी आपका अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था। नदी और तटबंधों पर लगातार अनाउंस किया जाता है कि आप पानी अचानक बढ़ रहा है, वाटर लेवल किसी समय भी बढ़ सकता है, इसलिए नदी नालों में ना जाएं।